वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा ब्लॉग्स, माई सेल्फ रोहन कुमार। तो आज का ब्लॉग होगा अटल पथ के बारे में। ये न्यू हाईवे बना है, ये हाईवे दिघा से आर ब्लॉक के बीच में बना है। और आप लोग को ओवर ब्रिज भी दिखाऊंगा, फुट ओवर ब्रिज। तो बने रहे वीडियो में और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ओवर ब्रिज के पास। ये अटल पथ है पूरा, और ये इस रोड पर चार ओवर ब्रिज बनने वाले हैं। तो अभी एक बन चुके हैं, फाइनली बन चुका है ओवर ब्रिज, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी वहाँ पर सामने जो देख रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे और चलते रहे, हम भी चल रहे हैं। तो ये ब्रिज पहला ब्रिज है दीघा से, इधर से आइएगा तो पहला ब्रिज ये है। दूसरा ब्रिज फाइनल हो चुका है एन कॉलेज पास है। हम लोग पहुंचने वाले हैं फुट ओवर ब्रिज पे, जो अभी फाइनली बन चुका है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फुट ओवर ब्रिज, और चलिए चढ़ने वाले हैं फुट ओवर ब्रिज पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फुट ओवर ब्रिज। ये बिहार का पूरा ही हाईटेक ब्रिज है, हाईटेक बोले तो बहुत ही सुंदर ब्रिज है। तो हम लोग के सामने मीडिया आए थे, तो बात हुआ इन लोग से, बहुत अच्छा है। भाई तेरा भाई न्यूज में आने वाला है यार। तो ये ब्रिज है बहुत ही सुंदर, तो आप लोग भी आइए घूमिए ब्रिज। ये ब्रिज एन कॉलेज और महेश नगर को जोड़ती है। ये हाईवे पर चार ब्रिज बनने वाली है, तो अभी इसमें से तीन ब्रिज नहीं बनी है, तो एक ब्रिज इसमें से बनी है। ये मेरा दोस्त है, टेंशन में है भैया। हम लोग से कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए बिहार में ये जो ब्रिज बना है, शायद मुझे लगता है कि पहली बार बना है। हाँ। और ये ब्रिज में खास बात यह है कि जो असहाय लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग है, उनको जाने के लिए लिफ्ट का व्यवस्था है। तो बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, लेकिन शायद ये जो नज़ारा है, अगर वो सोचते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो एक बार जरूर यहाँ पर आए। हाँ भाई लोग जरूर आए, देखे कितना खूबसूरत है। लेकिन बगल में कुछ कचरा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो जो कचरा है उसको हटाने का प्रयास लगातार जारी है। हाँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जरूर यहाँ पर आए और यहाँ पर घूमें जरूर। ठीक है भाई लोग, तुम लोग भी प्लीज आओ घूमो। लिफ्ट अभी चालू है नहीं, तो लिफ्ट में तो आप लोग घुमा नहीं सकता हूँ। और एक चीज़ और है, यहाँ इधर एन कॉलेज की तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। ये एन कॉलेज की तरफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब नगर निगम का सब यहीं पे डंपिंग होता है। तो ये फ़िलहाल में लग रही है हटने वाली है, ये बहुत अच्छे है, हट जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इधर बहुत ही ज़्यादा बदबू है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई लोग। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।